एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं काशी विश्वनाथ में। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम गंगा नदी के किनारे खड़े हुए हैं और हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं संध्या आरती देखने के लिए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। इस तरह से देख सकते हैं कुछ व्यू दिखाई दे रहा है। तो अभी संध्या आरती थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी 7 o'clock पे, तो मिलते हैं आगे। पे देख सकते हैं कि नदी में इस तरह से बोट्स लगाई गई होती हैं जिसमें बहुत अच्छी सुविधा होती है। आप इस पे बैठ के पूरी आरती एंजॉय कर सकते हैं और आरती दिखाने के बाद ये पूरा जो है नदी के किनारे जितने भी फेमस चीज़ें हैं उनको आपको विजिट कराते हैं। और इसमें पर पर्सन के हिसाब से 300 रुपीज़ लिया गया था, ये काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपको सीट मिल जाएगा। अगर आप लेट में आते हैं, जैसे आरती 7 o'clock पे स्टार्ट होती है और अगर आप 6 के आसपास भी आते हैं तो पूरा फुल हो जाता है, आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता। तो हम लोग 5 o'clock के आसपास यहाँ पे पहुँच चुके थे और हमने इसको हायर कर लिया था। और देख सकते हैं कि इस समय भी काफ़ी सीटें बुक हैं, लेकिन जैसे ही आरती स्टार्ट होने लग गई थी उससे पहले ये काफ़ी पूरा फुल हो जाता है, कोई भी सीट खाली नहीं होती। इसलिए आप जितनी भी कोशिश करें थोड़ा जल्दी आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी आरती होती है, ये तो बहुत ही फेमस है सभी जगह। Thank you.
देख सकते हैं कि संध्या आरती ख़त्म हो चुकी है और अब बोट से हमें पूरा विजिट कराएंगे, जो फेमस चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे ये कब स्थापित हुआ था, कैसे बना था, क्यों फेमस है, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी बात है इसमें। और बोट में आप इस तरह से थोड़ा सा मनी ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छे से आप पूरा आरती भी देख सकते हैं और इस तरह से विजिट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर दी जाती है। इस तरह से अब हम चलते हैं, इंजॉय करते हैं इस व्यू को। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की वही दिखाएगा।